लड़का गया ससुराल, सास पूछल कि माँ छौन ठीक, कुछ नहीं बोला, मेरी बेटी है ठीक, कुछ नहीं बोला, खाना खा लिया कुछ नहीं बोला, तो उसकी सास समझी कि शायद दामाद बौका छी, ये लड़का बौका छी, और समधीन फोन करके कि समधीन इकर बेटा बौका छी की, बोले नहीं हमारे बेटा तो फरवर छी, बोले कहाँ कुछ बोली, पूछ ले कुछ नहीं बोली, लड़का मेहमाने खा के घर आ गया, उसकी माँ बोली तुमने मेरी नाक कटवा दी, सास पूछल को करे नहीं बोला, बोले हमारा लाज लगे, तो माँ बोली कुछ बोलता, हाँ बोलता या ना बोलता, कुछ तो बोलता, बोले ठीक है जब की बार जो बोली बोलबो। दोबारा जब ससुराल गया तो इसकी सास पूछी मैं छौन ठीक, बोली हाँ, बोले हमर बेटी छे ठीक ना, तो घबरा गेली कि हमर बेटी की बोली, डॉक्टर देखेलक हाँ, दवाई दिले लोग ना, हाथ धेला हाँ, खाना खेला ना, कुछ हम बोलो कुछ तो हम बोलो, खाली हमें बोलो, हमें व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं है, कुरान पढ़ेगा कौन, कुरान पढ़ेगा कौन, किसी का बेटा वकील बना हो, डॉक्टर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, साइंसदान बना हो, आपने देखा है कि जलसा सजाया गया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो, देखे हैं वकील साहब के सर पे, आप प्रोफेसर साहब के साथ में नहीं देखे होंगे, लेकिन एक हाफिज़े कुरान के सर पे पगड़ी बांध दी जाती है, एक आलिमे दिन के सर पे पगड़ी बांध दी जाती है, आखिर इसकी वजह क्या है, तो पता ये चला कि एक ठेला चलाने वाले का बच्चा, एक ठेला चलाने वाले की बेटी हजरत कारी हसन साहब के मदरसे में पढ़ती है, एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, बाबू उसका डगरवा चौक में ठेला चलाता है, हाफिज़े कुरान हो गया, हजारों लोगों को जमा किया गया, जलसा सजाया गया, अल्लाह के वलियों के हाथों से उसके सर पे पगड़ी बांधी गई, इसकी वजह क्या है, तो पता ये चला कुरान ये पैगाम देता है, कुरान का ये मैसेज है कि लोगों सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने में उतार लेता है, जो मुझे तिलावत करता है, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं, बात समझ में आ रही है, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कुरान की एक हर्फ की तिलावत करेंगे अल्लाह 10 नेकी अता फरमाएगा, 2 हर्फ की तिलावत करेंगे 20 नेकी, 3 हर्फ की तिलावत करेंगे 30 नेकी, अलिफ लाम मीम ये 3 हर्फ हुए आपके नामा अमाल में, मेरा अल्लाह मेरा रब 30 नेकी अता फरमाए, इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाएंगे, हम तो कहते कम अज़ कम अपने बच्चे को, मौना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर उड़ीसा में एक जलसे में थे, 4-5 साल पहले की बात है, 50,000 का मजमा था, आपने तमाम लोगों से खिताब किया था कि उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज़ कुरान होना चाहिए, हर घर में कम से कम एक हाफिज़ कुरान होना चाहिए, अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, कम से कम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ अल्लाह अकबर कबीरा, ताकि जब आप इंतकाल कर जाओ तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर दे कम से कम, तो दुआ कौन करेगा, फकीर फकीर कहाँ जी अग्नि उगरा फुर्सते नहीं है, अब साइल है कहाँ,
तो पहले मर जाता था लोग तो चारम करते थे, हे हे आज कौन चीज कौन दिन जियो, बोले दसवां जी रो, बीसवां चालीसवां, ए रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। अच्छा लगल तो सुभान अल्लाह के बोलती हम मैं बोलो, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर। कौन कौन मदीना जाएंगे जरा हाथ उठा, इंशाल्लाह देख लो। 5 लाख का खर्चा कर लगता हाँ, अभी 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 थोड़ा सा हज 3.5-4 लाख रुपए हो गया ना। हाँ उमरा सस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, सुन अल्हम्दुलिल्लाह 80-80 हज़ार 90 हज़ार 1 लाख में उमरा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिसके ऊपर में अल्लाह ने फ़र्ज हज फ़र्ज हो गया है, पहली फुर्सत में वो इस फरीज़ा को अदा करे, इसलिए कि ये जैसे नमाज पढ़ना फ़र्ज है, रोज़ा रमज़ान का महीने का रोज़ा रखना फ़र्ज है, उसी तरीके से जिसके ऊपर में हज फ़र्ज हो गया है इसकी अदायगी करना फ़र्ज है, इसके बगैर छुटकारा नहीं। और बखीली कंजूसी की वजह से हज ना करना ये तो बहुत नादानी की बात है। ए बाबू बोसे जाओ खाने, बोसे जाओ, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। एक वादा करोगे इंशाल्लाह जो तो बदवान बक्तबा एखाने बक्ता एखाने शेषर इंशाल्लाह सबकी तकरीर सुनकर इंशाल्लाह दुआ करके अपने अपने घर को जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह, हाथ उठाओ ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके आने को बैठने को सुनने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। ए बाबू ए बैठो ना, ए बाबू भिन्नर देख रहे, हे लग लू मेरे ए जी तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि क्या हुआ, बोले मुझे साहब बहुत जोर रोज लगला, बोले बैठ जाओ थोड़ी देर की बात है। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है सामने में, नज़र पड़ गई तो मैंने इशारा किया बेटा जो, बोले नहीं जो तो हम कल करें जो, बोले की करें जो जे करें जे ना ये भैग ले जाओ जा मैं जरूरत नहीं। भालो लोग शिक्षित लोग भालो को खाने बसुन। अल्हम्दुलिल्लाह अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, इंशाल्लाह इसके ऊपर रोशनी डाली जाएगी। मुझसे पेशतर हजरत अल्लामा मुफ्ती सोहराब साहब दामत बरकातहू ने जो तकरीर करी, और हमारे अल्लाह वाले मौलाना मुफ्ती वलीउल्लाह साहब दामत बरकातहू ने जो तकरीर करी, मैं नहीं समझता हूँ कि उस तकरीर के बाद उस बयान के बाद फिर किसी तकरीर की ज़रूरत हो। शर्त है कि अमल, जलसा तो हम लोग सुनते हैं अमल नहीं है, जलसा सुनते हैं हम लोग
बयान सुनते हैं लेकिन अमल नहीं। तो जब तक अमल की नीयत नहीं होगी ना, तो बात दिलों के अंदर में असर नहीं करेगी। तो इंशाल्लाह अमल करेंगे, अमल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा दे। ए बाबू बैठ जाना, बाबू बैठ जाओ, खाने जगह अच्छी इंशाल्लाह, बोशे जाओ, भालो पूरे बोशे जाओ। ये देखिए सब बच्चा बैठ गया, हाँ हाँ, कितना खूबसूरत सब बच्चा है। अंधेरे में इतना चमक रहा है, उजाले में कितना चमकता होगा। बैठो जाओ, माशाल्लाह, देखिए सब बच्चा बैठ गया। इस्लाम से मोहब्बत करो, दीन से मोहब्बत करो। हजरत तकरीर कर रहे थे, इस्लाम कितना पीछे रह गया। एक लड़का का नाम था इस्लाम, वो अभी अभी जलसा में वे किया था, बोली मौली साहब हमारा किरण पहचान की हो। मौली साहब रो नाम हो जाने जी, तो पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा, पीछे बैठने वाला था आके बीच में बैठा के मौली साहब दखील की हमारा पहचाने जी का मतलब मौली साहब। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि कोई जुमला आया कि इस्लाम कितना पीछे, वो बीच चौस उठी का आगू में भी बैठी। लास्ट में हजरत बोले कि इस्लाम कितना पीछे है, वो खड़ा भाग ली बोली कहाँ तुर मुँह में बैठो ना, कहाँ बैठो। इस्लाम कितना पीछे है। मौजूद सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला किसी की नेकी को ज़ाया नहीं करता है। अभी ठंड का समय है, आप अपने घर में होते, नरम बिस्तरों पे होते, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर नींद की कुर्बानी करके आप इस जलसे में बैठे हैं, तो बताइए मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा। भाई बोले भाई अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा, तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा, वही इनाम देगा कि नहीं देगा। ए हा हा हा, जैसी करनी बोलो भाई। हाँ, किसी इंसान का एहसान मेरा अल्लाह नहीं रखता है, किसी का कर्जा मेरा अल्लाह नहीं रखता है, और किसी की नेकी को ज़ाया मेरा अल्लाह नहीं करता है। नेकी का बदला मिलेगा, अमल का बदला मिलेगा। तो मौजूद सामने कराम, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों को नुजूल किया है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह आज ज़िंदगी दिया है, कल को अल्लाह मुझे मौत देगा, फिर अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा रब पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है मेरे लिए क्या लाया। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी, झुक कर देखा तो देखा कि कोई शय है, उठाया तो देखा कि खोपड़ी है। क्या है बोलिए? अच्छा खोपड़ी जाने ना अपना रा? अरे खोपड़ी जाने जानी हो माथ हो तो आदमी का खोपड़ी है। तो पढ़ा लिखा आदमी था, मिट्टी उट्टी झारा तो देखा उसमें कुछ लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था। तो पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोली बाप रे बाप, इधर बाकी की जी चेक करे लगती, इधर बाकी की जी मरे हुए ना जाने कई साल हो गए इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है। रुमाल में लपेटा घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख के ताला लॉक करके चाबी पॉकेट में रखा। रोजाना सुबह शाम दो टाइम अलमारी खोल के देखता था कि अखन तो कुछ भी नहीं मिली, बंद कर रखी। इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये क्या रखा है। वो दिन में दो मरतबा अलमारी चुपके से खोलता है, ताला लॉक करके फिर चाबी अपने पॉकेट में रखता है, लागे जी कुछ गड़बड़ है, फुतकी बाप की रख ली। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली, सो के उठा, डगरवा हटिया बाजार चला गया। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, अलमारी खोले तो सही, देखे तो सही ये अलमारी में रखा क्या है। अलमारी खोला, देखा रुमाल में कुछ लिपटा है, और रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी, आदमी खोपड़ी। बोली ओ ये जादू सी गई, हमारा भगावेली जादू सी गई, इगर जादू हमें खत्म कर दी। ली खोपड़ी, डाली उखली में, कहाँ डाल के बोला, उखली जाने जाएगी, उखार दे समाट दे समाट दे समाट, भूसा बना दिल गढ़ फेंकी दिल। शाम को इसका शोहर आया डगरवा हाट से, चाबी ढूंढने लगा, बी बोली कि चाबी मिली थी लीजिए, चाबी ली, अलमारी खोला, ना रूमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बी बोलती की छा भैया खोपड़ी, आज जादू से कहीं लालते। बोले नहीं अल्लाह के बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, बता तो सही वो खोपड़ी का क्या हुआ। बीवी बोली हम उसकी वो हालत की है कि वही जाने। बोला क्या किया, वही तो जानना है।
तो बीवी बोली उखली में देके दे समान भूसा बनाकर तालाब में फेंक दिए। तो उसका शोहर बोला बब्बा समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है और कुर्बान जाओ, बारिश का होना बंद हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, फसलें नहीं उग रही हैं, बच्चे बिलग रहे हैं, जानवर मर रहा है, बूढ़ा तड़प रहा है, लोग परेशान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोग आए कि हजरत दुआ कीजिए, आप अल्लाह के पैगम्बर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, दुआ कीजिए ताकि अल्लाह की रहमत बरसे, हम लोगों का भला हो। आपने 40,000 को लिया, कितने को लिया बोलिए भाई, बोलो भाई कितने को लिया, 40,000 मजमे को लिया। एक मैदान में जमा हुए, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दिया कि अल्लाह हम सब हम लोगों से तू राजी हो जा, रहमतों का बारिशों का नुजूल कर दे, या अल्लाह बारिश बरसा दे, बारिश नहीं हो रही है, या अल्लाह जानवर मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, बूढ़े तड़प रहे हैं, या अल्लाह बारिश को बरसा दे। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए मूसा ये तेरे दरमियान में एक बंदा मेरा ऐसा बैठा है जो 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है, जब तक वो इस महफिल से निकलेगा नहीं, इस मजलिस से निकलेगा नहीं, हम बारिश को नहीं बरसाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और वो 40,000 से खिताब किए, कौन है वो, कौन वो बदबख्त है जो अपने गुनाहों से मेरे अल्लाह का 40 साल से मुकाबला कर रहा है, निकल जा, तुम्हारी वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम है। वो जो बंदा था ना गुनहगार, वो सोचा कि हो सकता है हमसे भी बड़ा गुनहगार कोई और होगा, लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे देगा कोई नहीं उठाना, ये समझ गया कि नहीं हम ही हैं, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो सोचा कि अगर इस वक्त अगर हम निकल के बाहर जाते हैं तो लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, बाप रे बाप कितना खतरनाक आदमी छिली हो, जिसकी वजह से, जिसकी नहुसत की वजह से, मनहूसियत की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम थे। और कुर्बान जाओ वो शख्स बड़ा शर्मिंदा हुआ, एक चादर को अपने सर पे रखा, आंसुओं के चंद कतरे गिराए और कहा कि अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूँ, ए अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूँ, या अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है कि तेरी रहमत बड़ी है, या अल्लाह तेरी रहमत बड़ी है कि मेरा गुनाह बड़ा है, या अल्लाह इन तमाम हजारों लोगों के मौजूदगी में मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल कर। इतना कहना था, इतना बोलना था, आंसुओं से, आंखों से चंद कतरे आंसुओं का गिरना था। तो उलमा फरमाते हैं कि बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया और देखते देखते ले बारिश की दे बारिश, मौसलाधार बारिश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वे हैरत है और रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला तूने तो कहा था कि जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसेगी, अभी तो कोई निकला ही नहीं, कोई तो रब उसके तरफ से आवाज आई, मूसा जिसकी वजह से बंद कर रखा था उसी के तूफेल में बारिश को बरसाया है। सुभान अल्लाह बोले था माशाल्लाह, जिसकी वजह से बंद कर रखा था उन्हीं के तूफेल बरसाया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला कौन है तेरा वो बंदा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार उसकी झलक दिखा दे। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा जब वो मेरा नाफरमान था हम उसको रुसवा नहीं किए, आज तो मेरा फरमा बरदार हो गया है, हम उसे रुसवा कैसे करें। वो मेरा अल्लाह करीम है, वो मेरा अल्लाह रहीम है, अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। घर के अंदर में देखिए, बाप का कहना बेटा ना माने, जवान बेटा कमा कर ना लाए, काम ना करे, तो बाप गुस्सा हो जाता है। बाप गुस्सा होकर अपनी बीवी से कहता है, एकदम खबरदार ऊपर खाना बंद कर दे, यहाँ खाना नहीं जी, बोलो बोलता कि नहीं बोलता, गुस्सा बोली बोले 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 बोले, लेकिन माँ माँ
छुपा छुपा कर बेटे को खाना खिलाती है, बाप के सामने बेटा आना नहीं चाहता है, बाप नहीं चाहता है कि ये लड़का क्या कहते हैं, हम इसको खाना खिलाएं, हम इसको कपड़ा पहनाएं। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ। हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, क्या मेरा अल्लाह ने कभी खाना बन किया? अरे भाई बोलो, वह बन किया? मेरे अल्लाह ने कभी कभी लिबास बन किया? कभी मीठी नींद से महरूम किया? अल्लाह क्या अपनी नेमतों से महरूम किया कभी? हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, वो रहमतों पे रहमतों का नुजूल किए जा रहा है। ये मेरे रब की शान है, इसलिए आओ मेरे बच्चों रब के सामने अपने सारे साबिका गुनाहों से, पिछले गुनाहों से तौबा करो। इंशाल्लाह तौबा करेंगे भाई, तौबा करेंगे इंशाल्लाह। तो बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एटाई को था तीन बार जो पढ़ लेगा, जो बोल लेगा, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को धो देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर में बसाओ, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर में बसाओ। इसलिए कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, मौत करीब है, मौत, अरे बोलो ना। आज सिलीगुड़ी एयरपोर्ट उतरा, बागडोगरा एयरपोर्ट उतरा, रात में रांची में था मैं, सुबह 8:40 की फ़्लाइट पकड़ के कलकत्ता पहुंचा, कलकत्ता से 11:40 की फ़्लाइट पकड़ के बागडोगरा उतरा, तो देखा एक जगह काफ़ी भीड़ थी। हो, एक मोटरसाइकिल पे तीन नौजवान आ रहा था, और इतना खूबसूरत सब नौजवान था, तो गाड़ी रुक गई, भीड़ थी, जाम लग गया था, तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। तो भाई उतर कर देखने वालों की भीड़ लग गई कि देखे तो सही एक्सीडेंट कैसा हुआ, बोला बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, दो लड़के की हालत ऐसी थी वो यूं समझ ले खत्म हो गया, मोबाइल इधर बिखरा पड़ा है, किसी का हाथ इधर बिखरा पड़ा हुआ है, किसी का जिस्म पे कपड़ा नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? ये नौजवान लोग घर से सोच कर निकला था कि हम घर लौट नहीं पाएंगे, हम घर लौट कर नहीं पाएंगे, हम रास्ते ही से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, किसी ने सोचा था? आज तुम्हें फुर्सत नहीं है, मोबाइलों से फुर्सत नहीं है, गानों से तुम्हें फुर्सत नहीं है, म्यूजिक से तुम्हें फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से तुम्हें फुर्सत नहीं है, फेसबुक से तुम्हें फुर्सत नहीं है, तो कुरान पढ़ोगे कब? कुरान पढ़ोगे कब? अजय देखिएगा, जब बच्चे हाफिज़े कुरान बन जाते हैं तो जलसा सजाया जाता है, उस बच्चे की दस्तारबंदी होती है, देखे हैं? अरे बोलो नहीं हो जी, धक्का मारी मारी बोला भले ही, मारा धक्का बोल ले, मारा धक्का बोल ले।